ऐसे नहीं दूंगा ब्राउनी तुम्हें। दोस्तों ब्राउनी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है डाइट के लिए। आज हम इसकी ट्रेनिंग करवाएंगे क्योंकि इसकी ट्रेनिंग अब स्टार्ट है। चलो आ जाओ। शाबाश, अभी खुद ही आएगा, खुद ही आएगा, इसको रास्ता भी पता है। आ गया आ गया। शाबाश। वेट वेट दोस्तों, अब मैं देखता हूँ ये मेरी बात मानता है नहीं मानता। ओए इधर आ। चलो ब्राउनी आप खाते रहो, ठीक है? इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी ना सब कुछ सीख जाएगा आराम आराम से, हम इसको सिखा तो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? तो यार रात को ना बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ। जो हमारे पास गिद्ध था ना मारखोर, बस उसके साथ क्या हुआ ये मामू ही बताएंगे और सुभान बताएगा। तो ये चाहते थे कि आज इसको हमने आजाद करना था, आपको भी बताया था, लेकिन बस रात कुछ ऐसा हुआ है। हाँ मामू सही बोल रहे हैं, वाइल्ड अथॉरिटी की टीम आई है। उन्होंने क्या किया हमारे साथ? उन्होंने आके रात को, क्योंकि ये पेट्स ऐसा नहीं था, ये इंटरनेशनल पेट्स था, क्योंकि ये पूरी दुनिया में सिर्फ 10,000 है और पाकिस्तान में सिर्फ ये एक ही था। वो ना हमारे से ले गए हैं, तो वो वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो के एंड में। तो हमने मजबूरन उनको देना पड़ा, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। हमारे घर के बाहर आए थे तो सारे हमारे बड़े जो घर वाले इकट्ठे हो गए थे। कोई नहीं, उन्होंने भी आजाद ही करना है। परिंदा ही ऐसा नहीं, इतना खतरनाक परिंदा है कि इसको यहाँ आजाद नहीं कर सकते थे। हाँ ये भी सही है। चलो जो होना था हो गया, आप वीडियो देखना फिर आप बताना हमने सही किया है गलत किया उनको दे के। सुभान ख्याल से चेक कर, हम जब भी आए ना इधर अंडा आया पड़ा होता है। आया पड़ा है। आज अभी आया है। क्या है, गर्म है? बहुत गर्म है। मतलब अभी अंडा आया। चलो भाई यही मुर्गी दोस्तों अंडा दे रही है और इसी के कूड़ा कोने का हमें इंतजार है। क्या कह रहा है यार वलीद, मैं अभी अंडा रख के चेक करता हूँ ये कूड़ा खुई है कि नहीं। नहीं यार कूड़ा तो नहीं, वैसे अंडा दे रही थी। अभी चेक करते हैं दोस्तों, हम अभी इसको चेक कर रहे हैं। ये अंडा अगर अंदर ले गई ना समझो ये कूड़ा का है। नहीं, ये हमारे से डर रही है। नहीं तो मुझे लगता है शायद ये कूड़ा के अंदर थोड़ा सा किया इसने, है ना? हाँ ये देखो आवाजें भी निकाल दी है ना, जैसे वो वाली मुर्गी आवाजें निकाल दी होती है। हाँ यार फिर क्या करें, कूड़ा का या नहीं है? मुझे लगता है कूड़ा का। वो देखो वो गया, वो गया अंदर है कूड़ा का ये। सुभान, मैं तो कहता हूँ इसको अभी बिठा देते हैं। हाँ बिठाओ। बस दोस्तों नेस्टिंग मटेरियल जल्दी से ले आते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी मुर्गी कूड़क हो गई है। हमारी मुर्गियों के तो बच्चे आने ही वाले हैं। अपनी कैट को चेक करते हैं। हाँ भाई तुम कब बच्चे दोगी? अकेले अकेले सोई रहती हो, बैठी रहती हो भाई। ये बहुत अग्रेसिव कैट है, किसी के साथ दोस्ती नहीं लगाती ये। दोस्तों मैं सुभान को बोल रहा हूँ जहाँ वो मुर्गी बैठी है ना वहीं उसकी जगह बनाते हैं, वहीं अंडों पे बिठाते हैं। लेकिन सुभान बोल रहा है जो हमारी दूसरी मुर्गी बैठी है ना उसके नीचे इसको बिठाते हैं। हाँ यार ये जगह सही है क्योंकि यहाँ छाव भी है। देखो एक मुर्गी यहाँ बैठी है और एक इसके नीचे बिठा देंगे। हाँ चलो ऐसे ही कर लेते हैं फिर। वो यहाँ बैठ जाएगी, जगह तो उसकी वो है, उसके अंडे भी इधर ही पड़े हैं, यहाँ बैठ जाएगी। एक दिन लगेगा बस एडजस्टमेंट होते हुए। सुभान नीचे देख, और खुशखबरी आई पड़ी है भाई, अंडों की भरमार। मैंने आपको बोला था ना हो जाएगी, हो भी रही है। रखो अब 11 अंडे हो गए। एक उधर पड़ा उसके नीचे। 12 अंडे टोटल हो गए। 12 अंडे। अभी हम जा रहे हैं अपनी मुर्गी के लिए ना नेस्टिंग मटेरियल लेने, फिर उसको अंडों पे बिठाते हैं। बड़ा मजा आने वाला है भाई आज। दोस्तों भाई बहुत अच्छी है, इन्होंने अंदर से ही हमें फ्रेश वाली दे दी है। आप जल्दी से चल के ना इसके ऊपर मुर्गी को अंडों पे बिठाते हैं। चलो चलो सुभान जल्दी चलो भाग के। यार मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा वो कूड़ा हुई है मुर्गी नहीं हुई, लेकिन सुभान कह रहा हो गई यार, कंफर्म हो गई है यार। आप मान रहे ही नहीं हो। नहीं आप मान गए। चलो आप यार सुभान, मुझे तो लगता है इसका यहीं बैठने का दिल है, यहाँ से उठने का नहीं है। यार यहाँ नहीं बिठाएंगे हम इसे, वहाँ बिठाएंगे क्योंकि वहाँ सेफ्टी है। चलो आप बोल रहे हो तो ये हाँ। सही है। पर यार मैं मामू को तो बता दूँ। मामू जी, हम ना अपनी और मुर्गी को भी अंडों पे बिठा रहे हैं। अच्छा पहले भी तो मुर्गी के बच्चे बहुत सारे आने वाले हैं ना? हाँ पहले भी आने वाले हैं, लेकिन अब और भी ज्यादा आएंगे, समझो हमारे पास ना देसी मिनी फौज बन जाएगी। ओ बड़ी, तो फिर तो बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, फिर तो मजे ही मजे। आप भी देखोगे, हम भी देखेंगे, हमारी मिनी फौज असील बच्चों के साथ हो जाएगी। क्या बात है मामू, यही तो मैं कह रहा हूँ। बस अभी आओ आओ बिठाएं। दिखाओ तो सही मुझे यार, ये इधर देखो ना, ये देखो ये बैठी है मुर्गी, इसके नीचे एक अंडा है अभी। ये तो मुर्गी भी बहुत मोटी हुई पड़ी, हेल्दी हुई पड़ी है। हाँ मामू देखो तो सही, 2 किलो की मुर्गी बन गई है। इसके नीचे अंडा पड़ा है, देखो मार रही है। मार रही है ना? हाँ। स्वान ले आ इसको, आप ले आ। स्वान सबसे पहले ना अंडे बाहर निकाल लो, सोरे जितने भी पड़े हैं इसके अंदर। नहीं नीचे कुछ चीज तो रखो, पहले ये थोड़ा सा रखो घास भूस।
हाँ अब इसके ऊपर अंडे रखो। सिम्बा तुम्हारे खाने की ये चीज़ नहीं है यार, सॉरी बकरियाँ हमारे पीछे आ रही हैं, जो ये हम पलाली ले आए ना घास समझ रहे हैं ये मामू, ये घास समझ रहे हैं, ये घास समझ के आ रहे हैं ना, इतना खाते हैं इतना खाते हैं फिर भी किसी चीज़ को नहीं छोड़ते, पेट फुल होते ही नहीं है इनका। सुभान ने सारी की सारी पलाली तो रख दी। हमारे पास ये जितने भी अंडे हैं ना इसके अंदर एक अंडा बहुत नायाब है, वो जो आप बिग हाउस में देख रहे हो ना सिल्वर चिकन और स्प्राइट चिकन, उनके यहाँ पर ये वाला है। हाँ इसको भी रखना, शायद वो मुर्गियां आज भी एक और अंडा दें वो भी हम रख देंगे इसके नीचे। सुभान अब आराम आराम से सारे अंडे रख रहे हैं। चलो बनाओ बनाओ सुभान, मैं मुर्गी को ले आऊं? हाँ ले आओ यार, मैं मुर्गी को ले आता हूँ। आओ मामू आप अंडा उठाना, मैं मुर्गी उठाऊंगा। भाग के आओ भाग के, जगह बन चुकी है। मामू 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 जी, ये क्या उठा रहे हो? इसको नहीं उठाना, ईगल को। मामू ईगल उठा रहे हैं भाई, ईगल को कौन अंडों में बिठाता है। मुर्गी उठाओ मुर्गी यार, वली गर्मी है ना जरा, थोड़ा सा दिमाग भी आउट हुआ हुआ है ना जरा, इसलिए मामू का दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मुर्गी उठा लो, मैं ना पहले अंडा उठा लेता हूँ। रुको रुको ये मारती भी है यार, मारती है मामू। हाँ तो अंडे जो उठाओगी वो मारेगी ना। चलो उठा, आप उठाओ आप उठाओ, देखते हैं इसका मतलब मुझे मारे है। हाँ आपको मारे मुझे ना मारे, ख्याल करना मामू अंडा टूट ही ना जाए। आप मुर्गी ले जाओ, मुर्गी ले जाओ, अंडा मैं ले आता हूँ भाई, अंडा मैं उठा लेता हूँ। मामू ने मुर्गी उठा ली, बहुत प्यारी सी मुर्गी है। क्यूट है, इसके बच्चे भी क्यूट। ये उठा लिया अंडा भी दोस्तों, ये अंडा भी मैं रखूंगा और आपको बता दूं टोटल हमने इसके नीचे कितने अंडे रखे हैं। ये आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 11 अंडे हैं। और अपने आप मैं ना खूबसूरत हाथों से ना मुर्गी को बिठा देता हूँ, जैसे टीम के 11 खिलाड़ी होते हैं ना ऐसे 11 अंडे होंगे और 11 खिलाड़ी बाहर आएंगे। नहीं मामू 12 अंडे हैं। 12 अंडे एक रेलू कट्टा भी तो होता है ना यार। मामू आपने सही फरमाया 11 अंडे हैं, बड़े सुभान भूल गया 12 नहीं है। चलो आप आराम से बिठाते हैं इसको, आराम से भाई अंदर जा अंदर जा। ये हाँ 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 देख रही है भाई, देख रही है अभी, देख रही है अभी, देख रही है। बैठू ना बैठू, इसके नीचे इतने सारे अंडे देखे खुश हो गई है ये। बैठ रही है भाई, तू तो चुप कर यार, ये क्यों चिल्लाती रहती है ऊपर वाली? यार हम इसे डिस्टर्ब कर रहे हैं ना इधर आकर। हाँ अभी दोस्तों इसके ना ऊपर जल्दी से ना कपड़ा डाल देते हैं। देखो नीचे ले लिया अपने। हाँ बस ले ले भाई ले ले। रैम्बो मेरे हाथ से खाओ। हमारा रैम्बो मोर बहुत शरीफ है, देखो ना डरता ही नहीं है। शहजादा भाई बदमाशी की हद कर देता है, हर पेट्स को मारता है शहजादा, नीचे रैबिट्स को मारता है, सबको मारता है। आज मुझे दोस्तों ना सिर्फ और सिर्फ इस मुर्गी के अंडे का इंतजार है, जो ये आ जाएगा हम अपनी उसी मुर्गी के नीचे रख देंगे जो हमने अंडों पे बिठाई है। तो यार जो हमारा मार्क हो रहा है उसको डाइट वगैरह तो नहीं डाली हमने यार, वो रात को चला गया है। अच्छा आपको मैं खड़ा था यार, भूल गया हूँ। सुभान को याद ही नहीं है, वो हमारा मार्क हो इस वाले केज में होता था और इतना अच्छा लग रहा होता था, शाम को हम उसको बाहर निकालते थे, उसको हैंड टेक करता था यार, बड़ा मजा आता था। लेकिन उसने मुझे काटा भी है फिर भी मेरे साथ ना उसकी दिल लग गई थी यार, मेरी भी बहुत दिल लगी थी, बहुत अच्छा परिंदा था, उस जैसा कभी नहीं आएगा हमारे पास मुझे लगता है। अभी सर्दियां आई नहीं है और हमारे मोर ना धूप सेक रहे हैं, इनके काम देखो, सर्दियों में लोग भी धूप सेकते हैं क्योंकि ठंड लग रही होती है। मैं तो डर गया था पहले इनको देख के इनको क्या हो गया, लेकिन अचानक ही मैंने देखा ये तो सही है और ये शहजादा भी सही है। मैंने तो समझे इनके एंड हुआ पड़ा है वली, तो मैं यही समझ के खड़ा था। मैं खुद भी यही हैरान हो गया था, वही रैम्बो तो डर ही नहीं रहा हमारे से, वैसे का वैसे सोया पड़ा है। रैम्बो क्या हो गया तुझे? सही है ये बिल्कुल। दोस्तों अभी आप ना वो वाली वीडियो देखो जो हमारे साथ रात को हुआ है ना, जो पुलिस वगैरह आई थी, तो फिर मिलते हैं। दोस्तों एक बहुत बड़ा मसला हो चुका है हमारे घर में ना, पुलिस आई है, वो बोल रही है जो आपने मार खोर रखा हुआ है ना ये वाइल्ड एनिमल है, ये इनलीगल है बड़ा, इसको ना आप हमें दे दो। तो वो बाहर ही है, मैं मामू को बुला रहा हूँ। मामू भागो भागो जल्दी से भागो, बाहर वो कोई लोग आए हैं, वो कह रहे हैं भाई जो आपके पास एनिमल है ना वो हमें दे दो। क्यों कह रहे हैं? आपके ना घर पे छापा वगैरह मारते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, मुझे कुछ समझ ला सेंस नहीं है। अच्छा चलिए मिलते हैं उनको। मैं तो सोच रहा था इसको कल हम आजाद कर देंगे, तो अब इसको आजाद हम नहीं कर सकते क्योंकि मामू भी बात करें, मामू आ गए बल्कि। मामू क्या बना? यार ये तो एनिमल अथॉरिटी वाले यहाँ पड़े, क्या कहते हैं? सारी बात हो गई है। अच्छा तो वो इनको देना पड़ेगा, अपने जानने वाले कोई नहीं। दोस्तों चलो
ये जंगलों में आजाद करेंगे, ये जंगलों में जाके ना कल ये आजाद कर देंगे, हमने भी करना, चलो इनको दे देते हैं। ये चीज ही ऐसी है, मुझे पहले पता था बहुत ही हैवी चीज थी। क्या बोली, ये तरह बहुत खतरनाक चीज, ठीक है ना, हम यहाँ इसको उड़ाए ना ये किसी चीज पे हमला कर सकती है, ये अथॉरिटी वाले जो होते हैं ना एनिमल, ये फिर बाहर जाके ना इसको ना आजाद कर देंगे। हाँ, ये जंगलों में आजाद करेंगे, ये बहुत डेंजरस चीज है बड़ी। मामू ने ना ये कोई टोकरी वगैरह ढूंढ लिया भाई, इतनी रात को ये काम होना था हमारे साथ। ले आओ मामू, चलो भाई आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ, आपका साथ यहीं तक था हमारे साथ, आप जाने वाले हो आप। मामू आप ना उस टोकरी में डाल दो जल्दी से। चलो डालते हैं, अभी डालते हैं यार, बस अभी ये हमारा जाने वाला है। मेरे से बहुत खुशी होती मुझे अगर मैं इसको आजाद करता ना, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका। अभी जाता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ, आपके सामने उनको दूंगा, तो वो इंतजार कर रहे हैं। यार मामू ने अच्छे से इसको पैक कर लिया, अब इसको लेके चलते हैं, ठीक है मामू? हाँ चलते हैं, कोई नहीं, टेंशन ना लो, टेंशन इसको नहीं लगाओ, कोई नहीं। तो वाइल्ड लाइफ वाले हमारे पास आए हैं, तो इनको ना मैं अपनी खुशी से ना ये गिफ्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत नायाब है, रेयर है, बड़ा पूरे पाकिस्तान में नहीं है। इंशाल्लाह ये इसकी ब्रीड निकलवाएंगे और बढ़ाएंगे इंशाल्लाह, तो हमारे पास ये सही मुनासिब नहीं था, तो मैं अपनी खुशी से ना इनको दे रहा हूँ, इन भाई को। तो ये हैं बड़े वाइल्ड लाइफ के एक्सपेक्टर, जिनको हमने ये परिंदा इनके हवाले कर दिया, अब ये खुद ले जाएंगे, ठीक है मामू? ठीक है, कोई मसला नहीं है, तो ये सही था हमारे लिए। आज का व्लॉग ये एंड करते हैं, आई होप कि आज की वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलेंगे कल, आज के लिए अल्लाह हाफिज।